नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। भारत की सीमा पर चीन अब तक 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ से सीमा तक सड़क भी बना रहा है। और वहीं सिक्किम में भारत चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन डोकलाम में फेस ऑफ के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें जारी रही थी। मैच 6 महीने पहले ही दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हो चुकी है। हालांकि सेना की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। गलवान घटना के बाद से ही सिक्किम में दोनों के बीच काफी झड़पे हुई, लेकिन भारतीय सेना चीन के चरित्र को देखते हुए पूरी तरह से तैयार भी है। डोकलाम फेस ऑफ के बाद से ही चीन ने सिक्किम सीमा के पास तिब्बत में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। चीन ने सिक्किम के पास तक 2017 में बड़ी तेजी से चौड़ी सड़कें और पक्के इंफ्रास्ट्रक्चरों का निर्माण कर लिया है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत चीन में तनाव की शुरुआत सिक्किम के नाकुला से शुरू हुई थी, इसके बाद डोकलाम हुआ और फिर गलवान। ऐसे में चीन ने सिक्किम और अरुणाचल के कई सीमाई इलाकों में बड़ी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल डोकलाम में चीनियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए थे, बाद में गलवान में चीनियों को मुगी खानी पड़ी। ऐसे में चीन को अपनी हरकत का अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया है। अब चीनियों ने भारतीय सीमा पर तिब्बती मूल के लोगों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। खास तौर पर इतनी ऊंचाई से लड़ने के लिए तिब्बती मूल के लोग चीनी मूल के लोगों से काफी माहिर है, ये बात भी चीन को समझ आ चुकी है। चीन ने भारत सीमा के पास मॉडल विलेज बनाना शुरू कर दिया है और काफी संख्या में इन्हें बना रहा है। सिर्फ उत्तर सिक्किम की सीमा पर ही चीन ने 3 मॉडल गांव शुरू कर दिए हैं। इन मॉडल गांव में तिब्बती मूल के लोगों को बसाने की योजना है, लेकिन इन मॉडल गांव का निर्माण इतनी चालाकी से किया गया है कि इन्हें बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत चीन की चालाकी से पूरी तरह से वाकिफ है और भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी है। उत्तर सिक्किम में एकमात्र तिब्बती पठार भारतीय सीमा में है, यहां पर भारतीय बंकर पूरी तरह से तैयार हैं और चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। हर तरीके के अत्याधुनिक हथियार यहाँ पर भारतीय फौज के पास हैं। हालांकि इन ऊंचाइयों पर सिर्फ चीन का मुकाबला नहीं करना, बल्कि मौसम भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। यहाँ पर भारतीय फौज के बंकर 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, बेहद ठंडी हवाएं जान भी ले सकती हैं और मौसम व तापमान मिनटों में तब्दील हो जाता है। इसीलिए फौजियों को इतनी ऊंचाई पर तैनात करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद भी इन्हें रोटेशन में ड्यूटी दी जाती है। चीन की सामरिक ताकत को देखते हुए भारत ने भी इन ऊंचाइयों पर बोफोर्स को तैनात किया है, क्योंकि खराब मौसम में यहां ना तो हेलीकॉप्टर उड़ सकता है और ना ही कोई फाइटर प्लेन युद्ध लड़ सकता है। ऐसे में बोफोर्स इन कठिन जगहों का बेहद कारगर हथियार है। सबसे बड़ी बात यह है कि बोफोर्स के जरिए यहां बेहद कम समय में दुश्मन पर हमला किया जा सकता है और जवाबी कार्रवाई भी की जा सकती है। चीन और भारत की सीमाओं पर बोफोर्स की तैनाती की जा चुकी है। यही नहीं, सिर्फ बोफोर्स ही नहीं बल्कि अर्जुन टैंक भी यहां पर तैनात किया गया है। सामरिक दृष्टिकोण से उत्तर पूर्व बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत की सीमा 4 देशों से मिलती है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। इनमें सबसे खास चीन और सिक्किम से लगने वाली 226 किलोमीटर की सीमा है, जहाँ से खतरा हो सकता है। इसीलिए सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी चीन से लगने वाली सीमा पर की गई है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से चाइना का मास्टर प्लान है मॉडल गाँव बनाना, जहाँ पर वो लोकल लोगों को भर्ती कर रहा है और इन गाँव को घर की तरह नहीं बना रहा बल्कि बंकरों की तरह सजा रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन हमले की स्थिति में इनका इस्तेमाल बंकर के तौर पर किया जा सकता है। तो स्थिति बिल्कुल साफ है, चीन बिल्कुल नहीं मानने वाला और उसको मालूम है कि वो डोकलाम हो या फिर गलवान, हर जगह मुखी खा चुका है। ऐसे में अब सहारा उसके पास ये बचा है कि वो केवल और केवल लोकल लोगों का इस्तेमाल वहां का करना चाह रहा है। लेकिन भारत भी पैनी नजर बना के रखा हुआ है, यानी बोफोर्स की तैनाती का मतलब ये है कि तैयार भारतीय सेना है किसी भी मुकाबले के लिए। जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।